बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपना ख्याल भी रखते होंगे और अपना होम टास्क भी करते होंगे। स्टूडेंट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट वाला जो लेसन था, सेकंड लास्ट, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर कर लिया। तो आई होप कि आपने उसके क्वेश्चन आंसर जो थे साथ एक्सरसाइज थी और जो मैंने कल सेंटेंसेज की बुक भी करवाए थे फायजा वाले, तो वो आपने आई होप कर लिए होंगे। नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज हरी ली ओपन योर बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड कम टू पेज नंबर 8। तो आज अगेन हमारे पास एक पोएम है, इट्स नेम इज रेनबो। रेनबो होती है इसमें ये 7 कलर्स हैं, तो ये अल्लाह पाक की बहुत ही खूबसूरत सी, हमारे पास ये भी प्यारी सी चीज़ है। तो उस जब भी होती है रेन, तो उसके बाद ये आती है रेनबो 7 कलर्स में। तो उसके ऊपर देखें ये पोएम कैसे बनी हुई है रेनबो की। वर्ड सुनो, ये वर्ड्स हैं हमारे पास, इनके आपने मीनिंग याद करनी है। तो हम ये पढ़ लेते हैं कौन कौन से बो होते हैं, मीन्स ऐसे बैंड होना। मोस्टली हम जैसे करते हैं जब नमाज भी पढ़ते हैं, तो हम नीचे होते हैं बनीस कर भी शेप में, जब हम आते हैं बैंड होना क्या होता है, ऐसे बो आता है। तो ये देखें, ये भी ऐसे बो हुई हुई है, रेनबो भी ऐसे फोल्ड होती है। जब मोस्टली देखें आपने स्ट्रेट में कभी नहीं आई होगी, ऐसे फोल्ड ही आती है। तो ये आपकी रेनबो है। बो मीन समथिंग दैट इज कर्व लाइक एन आर्क। ये देखिए, जब हम मैथ्स में भी आर्क ड्रा करते हैं तो कभी भी ऐसी नहीं आती, आर्क भी हमेशा ऐसे ही आती है जब आप कैंपस से करते हैं। तो वो बो होते होता है हेवन द स्काई या जन्नत भी इसको कहते हैं। ओवर टॉप राइजेज ओवर द टॉप ऑफ सेल होता है। व्हेन अ बोट ट्रेवल्स मीन्स की जो पानी में जो तैरती है, तो इसको बोलते हैं सेलिंग करना, ठीक है, सेल। आगे स्टोरी हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसकी रीडिंग हम कर लेते हैं। बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल क्रॉस द स्काई आर प्रेटियर देन दीज। कहते हैं इसी तरह जो स्मॉल बोट्स होती हैं छोटे छोटे रिवर्स में, वो बोट्स चलती हैं, जो शिप्स होती हैं, जो बड़े जिनको हम बोलते हैं बहरी जहाज, जो शिप्स होते हैं बहुत जो बड़े सी हैं उनमें समंदरों में चलते हैं। इसलिए जो क्लाउड्स हैं वो ऊपर आते हैं आसमान पे आके घूमते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं इन दोनों का, आप बोट को देखें चलते हुए पानी में और शिप को देखें समंदरों में चलते हुए, लेकिन आपको वो उतने प्यारे नहीं लगेंगे जितने प्यारे आपको ये क्लाउड्स लगेंगे जो आसमान में ऐसे, ये देखें बिल्कुल ऐसे वो रुई की तरह के होते हैं, बबल्स कॉटन बने हुए। तो ये हमें ज़्यादा प्यारे लगते हैं ये बोट्स की निस्बत भी। नेक्स्ट आ रहा है, देर आर ब्रिजेस, इसमें डी साइलेंट है, ठीक है। देर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रेटी एज यू प्लीज, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप्स द ट्री एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रेटियर फॉर देन दीज। कहते हैं इसी तरह जो रिवर के ऊपर ब्रिजेस बने होते हैं वो भी प्यारे होते हैं, लेकिन इतने प्यारे नहीं होते एज प्रेटी एज यू प्लीज। कहते हैं इतने प्यारे नहीं होते जितने प्यारे आप हो, इस तरह इतने प्यारे नहीं है। इसी तरह बट द बो दैट ब्रिज इज हेवन, इसी तरह लेकिन जो ऐसी बो जो हेवन के ऊपर बनी हुई है स्काई के ऊपर आती है वो कौन है आपकी रेनबो। लेकिन जो स्काई के ऊपर जो कहते हैं जो बो आती है वो एंड टॉप्स ऑफ द ट्री, जो दरख्तों के ऊपर आती है स्काई पे आती है, एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और इसी तरह एक रोड सी बना देती है हमारी जमीन से स्काई तक, इज प्रेटियर फॉर आर देन दीज। कहते हैं ये ज्यादा प्यारी है जो नीचे ब्रिजेस बने हुए, ब्रिजेस भी आपको देखें कर्वी में है, कहते हैं लेकिन आपको ये प्यारे लगते होंगे समंदरों के ऊपर, सॉरी ये रिवर के ऊपर बने होते हैं, लेकिन ये इतने प्यारे नहीं है जितनी ये रेनबो प्यारी है। और ये ऐसे ही लगती है जैसे इसने अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक रोड बना दी हो नीचे बिल्डिंग से लेकर ऊपर स्काई में जाने के लिए, तो ये हमारी रेनबो है। तो ये बहुत प्यारी है, ये किसने लिखी है इसके नीचे, इसका नेम भी है क्रिस्टीना रोसेटी, ये पोइट का नेम है। तो आपने क्या करना है, आपने इस पोएम की रीडिंग अच्छे से करनी है और ये 4 वर्ड्स मीनिंग है ये आपने याद करने हैं। इंशाल्लाह मैं कल आपसे इसका फीडबैक भी लूंगी, तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखना है। स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।